प्रकृति के अंदर दया खूब है, लेकिन मर्यादा के विपरीत आचरण करने वालों के लिए कोई दया नहीं। तुम दयावान है, सब कुछ देती है। एक बीज डालते हो, 100 बीज करके तुमको देती। अंगूर में देखो पूरा रस है, आम में रस है, जो रस चाहिए वो सब ले लो, गन्ने में रस डालते, सब जगह सब चीजें तुम्हारे लिए उपलब्ध कर दिया। झरझर बहता हुआ पानी, नदी, वर्षा, सूर्य, प्रकाश, वायु, सब कुछ तुमको फ्री में देती। इतनी दया, इतनी करुणा अनंत काल से दे रही है। कोई टैक्स का बिल नहीं भेजती है, इतना टैक्स मुझे दो। बस उसका एक ही कहना है, हे मेरी संतान हो, मर्यादा में और धर्म का आचरण करो, मर्यादा में रहकर करो, वो कर्म करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो, वो कर्म करो जिससे हमें भी प्रसन्नता हो। लेकिन सब नहीं जी, हम तो जहर बोएंगे, खेत में गोबर की जगह हम लोग यूरिया डालेंगे, पूरा पृथ्वी को पूरा जहरीला बना दूंगा, वायु को जहरीला बना दूंगा, जल को जहरीला बना दे, सारे गटर लाइन उसमें नदियों में डाल दी, गंगा जी का हाल देख दी, गंगा जी की वही श्री धीरे धीरे बनने जा रही, क्या बचा बचा आप। यही है प्रकृति को, तुम प्रकृति जो दे रही है उसका उसका जो प्रतिदान तुम ये दे रहे हो, बदला ये दे रही हो, ये ऋण चुका रहे हो तुम लोग उसका। ये जिम्मेदारी जो है कर्मचारी, यही कारण है कि आज मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा इतने वर्षों का जो अपने जो बाहर का समाज का धर्म के नाम पर उतने खाई है, गिरवा कपड़े पहनकर घूमे हैं, लोगों ने पूजा है, सम्मान दिया, आदर दिया है, वो रक्त लेकर घूम रहे शरीर के अंदर, उसका रेट चुका है, बोल रहे इसलिए बोल रहे हैं।